खलियान खसान का अडानी अबानी के हाथ में चले जाता, कॉरपोरेट घराने में चले जाता, जो किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर कुचला गया था मंत्री महोदय द्वारा और उसके गुंडों द्वारा, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हमारे हिस्से की जो सब्सिडी है वो अदानी जैसे बड़े बड़े घरानों को जो है ना, बड़े इस तरह के जो सीए स्टोर्स लग रहे हैं उनको जो है ना करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिलाते हुए हिमाचल प्रदेश के सेब किसान भी सड़कों पर उतरे। एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हिमाचल में सेब किसानों ने वाहन मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने सेब पर अनुदान समेत एमएसपी गारंटी कानून समेत विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की। सुनिए हिमाचल के सेब किसानों ने क्या कहा। ये देखिए, जो दो वर्ष पूर्व जो आंदोलन था, जो एक समझौता हुआ था दिल्ली सरकार के साथ में संयुक्त किसान मंच का, उस समझौते के ऊपर में केंद्र की जो सरकार है एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। और विडंबना ये हुई है कि पिछले दरवाजे से जो कानून निरस्त किए गए हैं उन कानूनों को लागू किया जा रहा है। जहाँ तक सेब के सवाल को लेकर के हैं, जिसमें कि एमआईएस के तहत में जो आपका 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी और 50% पैसा आपका केंद्र सरकार देती थी, पिछले साल बजट में केवल 1 लाख का प्रोविजन किया गया है, उसको निकाल दिया गया है। और जो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी है, हम मांग कर रहे हैं कि 100% होगी तभी जो है ना हिमाचल प्रदेश का सेब जो है ना मार्केट के अंदर बिक सकता है, परंतु जो है ना उसकी जो वाशिंगटन का सेब जो है ना उसके लिए जो है ना आपने रास्ता खोल दिया है विदेशी सेब के लिए। तो सेब उत्पादों के साथ में जो है ना एक इनडायरेक्ट तरीके से जो है ना उसको किया जा रहा है। और जो सेब में अनुदान मिलता था किसानों को दवाई के रूप में, खाद के रूप में, और उसके भेदाशा रेट जो ना कंपनियों के जो के लूट के लिए छोड़ दिया गया है, और जो इसकी हमारे हिस्से की जो सब्सिडी है वो अदानी जैसे बड़े बड़े घरानों को जो है ना, बड़े इस तरह के जो सीए स्टोर्स लग रहे हैं उनको जो है ना करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। संकेतक रूप में आए और ये सेब उत्पादक संघ, जो सेब का बागवान है उसको संगठित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ देश के अंदर सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अखिल भारतीय स्तर पर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। ये पिछले हफ्ते ही चंडीगढ़ में तीनों राज्य के सेब उत्पादक इकट्ठे हुए हैं, और आप जानते हैं कि 2020 के बाद पूरे देश के अंदर एक नई चेतना, नई समझ, नई ऊर्जा किसानों में पैदा हुई है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है देश का, जिसमें 500 से अधिक किसान संगठन है, वो एक मंच पर आए हैं, और उसी की देन है कि जो 3 कृषि कानून भारत सरकार को वापस लेने पड़े। अगर वो आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज खेत खलियान किसान का अडानी अबानी के हाथ में चले जाता, कॉरपोरेट घराने में चले जाता। कुर्बानी बहुत बड़ी देनी पड़ी, 735 से अधिक किसान ने शहादत दी है, और उस समय हम उस ताकत के साथ उनका समर्थन नहीं कर सके, उनसे उनके साथ कांधा से कांधा नहीं मिला सके। लेकिन अब हमने वचन दिया है उनको कि भाई हम उनके साथ कांधा से कांधा मिलाएंगे। आज पूरे देश के अंदर ट्रैक्टर की रैली चली थी। हमारे पास यहाँ पर पहाड़ में ट्रैक्टर नहीं होते हैं, इसलिए हमने वाहनों का ये एक प्लान, ये एक रैली चलाई है, और यहाँ पर सचिवालय तक आए हैं, और हम उनके साथ एकजुटता करते हुए उनको वायदा देना चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रश्न को लेकर जो उन पर मुकदमे बने हैं, जो भारत सरकार ने कहा था कि वापस लेंगे, जो नहीं लिए गए, और जो किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर कुचला गया था मंत्री महोदय द्वारा और उसके गुंडों द्वारा, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उन प्रश्नों को लेकर आज हम इस लड़ाई को आगे चला रहे हैं। और हम भारत सरकार को बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य हर खेत के उत्पाद पर आप निर्धारित नहीं करेंगे, और करेंगे डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूला के बाद, C2 plus 50% प्रॉफिट, लागत प्लस
50% मुनाफा, तब तक ये लड़ाई जारी रहने वाली है। और यही नहीं, उसको कोई भी जो किसान पैदावार करता है अगर मंडी में उसके कम आधार पर बेचेगा, कम कीमत पर बेचेगा, तो कानूनी अपराध होना चाहिए। तो इन मांगों को लेकर आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी MIS का पैसा किसानों को पिछले 2 सालों का नहीं दिया। वो हमारी मांग निश्चित रूप से रहने वाली है। जो किलो के आधार पर सेब बिकना था उसमें भी उन किसानों के साथ मंडियों में चीटिंग हुई, धोखाधड़ी हुई है। और इसलिए उस समय भी हम कहते थे यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ रेगुलेटरी है, वजन को स्वयं वो निर्धारित करता है जिसमें 20 किलो से अधिक नहीं है। जहाँ ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बात यहाँ पर आपसे साझी करनी है, जो कदम आपके बागवानी मंत्री ने उठाए हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी प्रशंसा करनी है। एक प्रयत्न उन्होंने किया है, हम चाहेंगे पूरी सरकार का भी वो प्रयत्न रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो तंत्र है, जब तक उस तंत्र को वो गेयर अप नहीं करेंगे, ये घोषणाएं कागजों में रह जाएगी। अगर धरती पर के स्तर पर उसको करना है तो आपको पूरा जो तंत्र है APMC का उसको सक्रिय करना है, और जो उसके अंदर चोर बर्दारी होती है उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए इन तमाम प्रश्नों को लेकर, खाद से लेकर, बीज से लेकर, और ये जो पूरी किसान के साथ धोखाधड़ी है उसको लेकर हम आगे की ओर अब बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।